Assalamualaikum and welcome to Wild Rush. चोलिस्तान डेजर्ट से आज आपका भाई आपको लेके आया है कश्मीर की हसीन वादियों में मिलवाने के लिए ब्लैक स्कॉर्पियन से. यहाँ के लोकल्स की मदद से हमने उसकी लोकेशन को फाइंड आउट कर लिया है. अभी हम आपके सामने लाइव आपके सामने उसको ढूंढेंगे और उसकी सारी की सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो आपके सामने शेयर करेंगे. तो यहाँ के लोकल्स ने हमें दिखाया है कि अगर आप इन पत्थरों को जो है इधर उधर पटकेंगे हिलाएंगे तो यकीनन आपको बहुत सारे स्कॉर्पियन जो है वो मिल जाएंगे. तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है. तो बने रहेगा मेरे साथ तो देखते रहेगा कश्मीर की हसीन वादियों में वाइल्ड रश. तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमने लोकल की मदद से उसकी लोकेशन को फाइंड आउट किया है कि वो किस तरह की लोकेशन पे पाया जाता है. तो ये रहे वो पत्थर. इंशाल्लाह मैं बहुत परजोश हूँ उसको पकड़ने के लिए, उसको देखने के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने के लिए. तो शुरू करते हैं यहाँ से. इस तरह के जो पत्थर होते हैं, इस तरह के पत्थर ना, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पहले जो है वीडियो वो हम थोड़ा सा सीन जो है कट कट करके बनाते हैं. आज की वीडियो जो है वो लाइव बन रही है तो इस वजह से थोड़ा सा तो ये रहा हमारा आज का सब्जेक्ट, हमारा आज का कंटेंट जिसका साइंटिफिक नेम है डेकानोमेट्रस बेंगलहेंसिस. बेंगलहेंसिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले रिसर्चर्स ने इसको जो है वेस्ट बंगाल मतलब कि बांग्लादेश में इसको जो है फाइंड आउट किया था, इसकी रिसर्च की थी. इसको इंडियन ब्लैक स्कॉर्पियन भी कहा जाता है. मैं आपको बताऊं कि आप इसको पाकिस्तान, तिब्बत, बांग्लादेश और इंडिया के इलाकों में देख सकते हैं. पाकिस्तान में आप इसको आज़ाद कश्मीर में और थर के डेजर्ट में जो है देख सकते हैं. ये स्कॉर्पियोनिडाई फैमिली से इसका ताल्लुक है और दुनिया में इन स्कॉर्पियंस की 2000 से ज़्यादा जो है एग्जाम पाई जाती हैं. और दुनिया में दो ऐसे स्कॉर्पियन हैं कि अगर उन्होंने आपके ऊपर स्टिंग अटैक कर दिया तो डेथ कंफर्म है. वो कौन से स्कॉर्पियन है वो मैं आगे जाके बताऊंगा क्योंकि अभी बात जो हो रही है वो हमारे ब्लैक स्कॉर्पियन की हो रही है. तो ये जंगलों में रहना पसंद करते हैं. इस तरह के जो आपको फॉरेस्ट नज़र आ रहा होगा ये इस तरह के फॉरेस्ट में जो है रहना पसंद करते हैं. यहाँ पे जो बड़ी बड़े रॉक्स होते हैं, चट्टाने होती हैं, उनके नीचे जो है पाए जाते हैं. जो गारे बनी होती हैं, केव्स बनी होती हैं, उनके जो है अंदर वो रहना पसंद करते हैं. तो अब आते हैं इसके बॉडी शेप और बॉडी टेक्सचर की तरफ. आप इसको उठाना पड़ेगा. मुझे अपना सेफ्टी ग्लव पहनने दें क्योंकि मैं नहीं चाहता इतनी दूर आऊँ और मैं स्कॉर्पियन के स्टिंग अटैक का शिकार हो जाऊँ. ये मैं आपको बताऊँ कि ये बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज होते हैं, इस तरह के एक्ट करते हैं कि जैसे मर गए हैं. सही है, लेकिन आप पे इन जो है आपने इन पे ज़रा भी ट्रस्ट नहीं करना. ये देखें, ये थोड़ा सा हिला है, ये देखें, लेकिन और एक्टिंग कर रहा है कि जैसे मर गया. तो ये इंसेक्ट नहीं है. मैं आपको बताऊं कि इंसेक्ट के तीन हिस्से होते हैं, हेड, थोरेक्स और एब्डोमन. ये एक एनिमल है, छोटा सा एनिमल है. तो इसका जो हेड और थोरेक्स जो है फ्यूज़ हुआ हुआ है, मतलब साथ में जुड़ा हुआ है. तो इसको जो है स्फेलोथोरिक्स कहा जाता है. तो मैं आपको बताऊँ कि स्फेलोथोरिक्स के ऊपर इसकी आंखें होती हैं. ये नॉक्टर्नल होते हैं, रात के वक्त एक्टिव होते हैं. अपनी उन आँखों से बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं और अपने शिकारों के ऊपर हमला कर सकते हैं. तो इसकी फोर पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं, मतलब आठ टांगें होती हैं जिनसे ये बड़ी स्पीड के साथ जो है मूव करता है. तो इसकी टेल को आप इसके जो सेगमेंट जो है वो ये काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5. इस सेगमेंट्स को मेटासोमल सेगमेंट कहा जाता है. और 5 के बाद जो आखिरी हिस्सा होता है जिसके ऊपर आपको स्टिंग नज़र आ रहा है, इसको वेनम बल्ब कहा जाता है. तो इसी से हमें बचना है. तो ये टोटली ब्लैक है. बास स्कॉर्पियन जो है आपको ब्राउनिश और रेडिश नज़र आएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये टोटली ब्लैक है, सारे का सारा काला है. तो इसका साइज़ जो है नॉर्मली जो 2.5 इंच से लेके इसे 4.5 इंच तक जो है हो सकता है. तो अभी ये देखें कितना गुस्से में है. अभी ये तकरीबन 1.5 इंच के करीब है. ये देखें, ये 1.5 इंच के करीब है. ये नॉर्मली आपको गुस्से में नज़र नहीं आते, ये खुद जो है आपके ऊपर स्टिंग करने के लिए नहीं आते. तो अब मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया में दो ऐसे स्कॉर्पियन हैं, अगर वो आपके ऊपर स्टिंग अटैक कर दें तो आपका बचना नामुमकिन है. पहला है ब्राज़ीलियन येलो स्कॉर्पियन और दूसरा है
डेथ स्टॉकर। इनका ब्रीडिंग सीजन रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। फीमेल जो है एक फेरोमोन छोड़ती है जो कि मेल की तरफ पहुंचते हैं और मेल उसकी तरफ इंट्रैक्ट होकर फीमेल के सामने आके डांस करता है। अपनी टांगे जो है हिलाता नहीं है, अपनी टांगे जमा के अपनी ऊपर वाली बॉडी को कुछ इस तरह से हिलाता है और अपने पिंजर्स को भी ऊपर नीचे करता है। अगर फीमेल उसको एक्सेप्ट कर ले तब इनका जो है मेटिंग का स्टाइल कुछ इस तरह से होता है कि दोनों अपने पिंजर एक दूसरे के अंदर फंसा लेते हैं और घंटों तक जो है डांस करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, तब तक जब तक इनको कोई सूटेबल जगह ना मिल जाए, कोई सूटेबल जो है लोकेशन ना मिल जाए। तो उस डांसिंग स्टेप को जो है जडरिंग कहा जाता है। तो स्कॉर्पियन जो है वीवी पैरस होते हैं। वीवी पैरस उन एनिमल्स को कहा जाता है जो कि बच्चे देते हैं। ये बच्चों की बहुत बेहतरीन तरीके से पेरेंटल केयर करती है, बच्चों को तब तक अपने पास रखती है जब तक वो आज़ाद ज़िंदगी गुजारने के काबिल नहीं बन जाते। तो एक बात मैं मिस कर गया था कि स्कॉर्पियन के ऊपर जो ये आप शेल देख रहे हैं इसको कैराफेस जो है शेल कहा जाता है। तो एक फीमेल जो है 300 से लेकर 100 तक के बच्चों को पैदा कर सकती है। तो बच्चे जो है अपनी माँ की पीठ के ऊपर बैठे रहते हैं, 300 हो 100 हो वो अपनी माँ की पीठ के ऊपर बैठे रहते हैं। फीमेल को पहचानने का ये भी तरीका है कि अगर किसी स्कॉर्पियन के ऊपर काफ़ी तादाद में आपको बच्चे बैठे हुए नज़र आएँ तो समझ लें कि वो जो है फीमेल है। और वो अपनी फीमेल अपनी माँ के ऊपर तब तक बैठे रहते हैं जब तक वो ज़्यादा ना ज़िंदगी गुजारने के काबिल नहीं बन जाते। तो अब आती है बारी इनकी शिकारियों की, ये किस चीज़ का शिकार करते हैं, किस किन चीज़ों को खाते हैं। तो समझ लें कि इंसेक्टोवर्स हैं, मतलब कि छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं, माइट्स को खाते हैं, ग्रास हॉपर्स को खाते हैं, वर्म्स को खाते हैं, छोटे स्नेक्स को भी खा लेते हैं और अपनी ही नस्ल के कुछ स्कॉर्पियंस को भी ये खा लेते हैं। तो अब बारी आती है इनके प्रीडेटर्स की, इनको कौन खाता है। तो मैं आपको बताऊँ कुछ खास किस्म की आंट्स जो होती हैं, चूंटियाँ जो होती हैं वो इनको खा लेती हैं। तो सेंटीपेड जो हैं वो भी इनको खा लेते हैं। मीर कैट्स जो कि बिल्कुल नेवली की तरह नज़र आती हैं वो इनका शिकार बहुत बेहतरीन तरीके से करती हैं। तो लीजर्स इनको खा लेती हैं, फ्रॉग्स इनको खा लेते हैं, डेजर्ट लॉन्ग ईयर बैट वो भी इसका शिकार जो है बड़ी आसानी से कर लेती है। हमारे ये ब्लैक स्कॉर्पियन, इंडियन ब्लैक स्कॉर्पियन जो है 8 साल तक जिंदा रह सकते हैं अगर कोई इनका शिकार ना करे। तो ये थी ब्लैक इंडियन स्कॉर्पियन के बारे में एक शॉर्ट सी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। तो अब करते हैं इसको रिलीज और आज़ाद। मैं हमेशा एनिमल्स और बर्ड्स की पप्पी करता हूँ तो इसकी बहुत ज़्यादा मुश्किल से बचाऊँ। तो बाय बाय मेरे दोस्त।